टीम इंडिया के प्रमुख तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह गोवा में टीवी एंकर संजना गणेशन से शादी कर सकते हैं। इसका कार्यक्रम 14 और 15 मार्च को हो सकता है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। जसप्रीत और संजना दोनों ही इस शादी को लेकर चुप भी हैं, पर सोशल मीडिया पर इसे लेकर काफी तेजी से खबरें फैल रही हैं। बुमराह ने निजी कारणों के चलते इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट से हटने के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से इजाजत मांगी थी, जिसे बोर्ड ने स्वीकार भी कर लिया। बुमराह को टेस्ट सीरीज के बाद इंग्लैंड के साथ होने वाली 5 T20 मैच की सीरीज में भी आराम दिया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के एक अधिकारी ने कहा कि बुमराह की शादी के लिए अधिक समय चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अंतिम टेस्ट से अपना नाम भी वापस लिया था। अब शादी को लेकर बुमराह IPL 2021 में क्रिकेट के मैदान पर वापसी करेंगे। 27 साल के बुमराह गोवा में शादी करेंगे। बुमराह इसके लिए अपनी माँ और बहन के साथ पहले मुंबई जाएंगे। सूत्रों ने न्यूज एजेंसियों को बताया कि कोरोना की वजह से प्रतिबंधों को देखते हुए बुमराह के परिवार के कुछ लोग इस शादी समारोह में शामिल हो सकेंगे। टीम इंडिया के सदस्य भी इंग्लैंड के साथ जारी सीरीज और प्रतिबंधों के चलते शादी में शामिल नहीं हो पाएंगे। आपको बता दें, बुमराह और टीवी एंकर संजना गणेशन के लिंकअप की कहानी पिछले साल शुरू हुई थी। संजना पिछले साल IPL के एक फैन शो का हिस्सा भी थी। संजना ने कई मौकों पर बुमराह का इंटरव्यू भी किया है। बुमराह का जन्म और पालन पोषण अहमदाबाद में हुआ है। पिता के निधन के बाद मां ने ही बुमराह और उनकी बहन की देखभाल की। बुमराह की मां निर्माण पब्लिक स्कूल की वाइस प्रिंसिपल भी रही हैं। यहीं से बुमराह ने अपनी पढ़ाई पूरी की और किशोर त्रिवेदी की देखरेख में क्रिकेट करियर की शुरुआत भी की थी। वहीं संजना 2012 में सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बीटेक भी किया। ग्रेजुएशन के बाद संजना ने एक साल तक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम भी किया था। वे 2014 में मिस इंडिया फाइनलिस्ट रह चुकी हैं। संजना ने MTV के शो स्लिप सवेला के 14वें सीजन में हिस्सा भी लिया था। इस शो में काम करने के बाद संजना ने फैसला किया कि वह एक स्पोर्ट्स एंकर के रूप में अपना करियर बनाना चाहती हैं। संजना IPL के पिछले सीजन में कोलकाता नाइट राइडर्स के फैन शो का हिस्सा भी रह चुकी हैं।